ये है वो लैपटॉप एंड आईडी कार्ड जिसे आज कंपनी को सरेंडर करना है। लैपटॉप को करते हैं शट डाउन और बैग को करते हैं पैक और फिर चलते हैं ऑफिस, बिकॉज कंपनी के एसेट्स को रिटर्न करने का टाइम आ गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जर्नी है साइनिंग ऑफ से लेकर साइनिंग इन तक। फाइनली आज वो टाइम आ गया है जब मुझे कंपनी के एसेट्स को रिटर्न करने जाना है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद और प्रिपरेशन के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी ड्रीम कंपनी को ज्वाइन करूं और एक नए सफ़र की शुरुआत एक नए ड्रीम के साथ करूं। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर स्पेंड किया इस कंपनी में, बस 4 से 5 दिन ही कम है 1 ईयर कम्प्लीट होने में। एज सच मेरा कोई प्लान नहीं था कि इस कंपनी को अलविदा कहने का, बट ड्रीम तो ड्रीम होता है, इसलिए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपनी करंट कंपनी और करंट पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। चलो अब बात करते हैं करंट कंपनी के बारे में, इसके एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ की टीम कैसे थे, बिकॉज मैंने 1 साल पूरा यहाँ पर बिताया है, तो मैं इसके बारे में आपको फीडबैक देता हूँ। मेरे टीम मेंबर्स, कोवर्कर्स, कलीग्स और जो भी आपका हो, बहुत सपोर्टिव थे और मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार मैं कहाँ आ गया। दिस कंपनी इज़ लाइक ए सेकेंड होम फॉर मी। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से केयर करती है, बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, चाहे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी हो। जब ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप भी कंपनी की रेपुटेशन का ख्याल रखेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करेंगे और आपका काम करने में मन भी लगेगा। और ये कहूँ कि एक टाइम पीरियड के बाद आपको अपने काम और कंपनी से मोहब्बत हो जाती है। माय मैनेजर और चीफ आर्किटेक्ट, बोथ ऑफ देम आर लाइक कोहिनूर। आपको यकीन नहीं होगा, बोथ ऑफ देम आर वेरी काम एंड काइंड पर्सन। लेकिन फिर भी हर किसी को ड्रीम देखने का हक है और अपने ड्रीम को जीने का भी हक है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और रिज़ाइन कर दिया। ये सब मेरे लिए इतना इजी नहीं था, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में कंपनी को अलविदा कहना। अभी तो मुझे बस 1 साल ही हुआ था जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तब सोचा था कि कंपनी में मिनिमम 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 से 7 साल स्पेंड करूँगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि किसी का ड्रीम पहले पूरा हो जाता है और किसी का ड्रीम कुछ टाइम के बाद पूरा होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी हार मत मानना लाइफ में और हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब मैंने अपना करियर 2012 में स्टार्ट किया था, तब से मेरा ड्रीम था कि एक बार लाइफ में अपनी ड्रीम कंपनी को ज्वाइन करूंगा, और मुझे पूरे 10 साल लग गए अपनी ड्रीम कंपनी को ज्वाइन करने में। हर किसी का करियर गोल डिफरेंट होता है और हर कोई अपने ड्रीम गोल को पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे तो भाई 10 साल लगे, बट आपको कितना टाइम लगा अपने करियर गोल को अचीव करने में, कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए। रिज्यूम समिशन से लेकर ऑफर लेटर मिलने तक टोटल 5 से 6 राउंड हुए, बैक टू बैक टेक्निकल राउंड्स, फिर मैनेजर राउंड्स एंड फाइनली HR राउंड हुआ। अब बस उम्मीद थी कि ऑफर लेटर आज ही रिलीज हो जाएगा, बट नहीं, इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी थी हमारी, काफ़ी टाइम लगा ऑफर लेटर आने में भी। जब आपके सभी इंटरव्यू पैनल्स क्लियर हो जाते हैं और बस ऑफर का वेट हो रहा होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत पेनफुल होता है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। अरे यार, ये क्या गेट बंद है, अब तो यू टर्न लेके मेन गेट पे जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे से यू टर्न लेता हूँ, अगर यहाँ, अरे यार सामने से ट्रक को भी अभी आना था, वैसे भी टाइम नहीं है, यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बैकपैक करना है और रेलवे स्टेशन भी पहुँचना है। ये लो पीछे से एक और कार, कोई बात नहीं,
उस ट्रक से तो पहले ही यू टर्न ले लूंगा। डन। यहाँ पे कोई खड़ा होगा, उससे पूछता हूँ कि ये गेट क्यों बंद है। पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से गेट बंद कर रखा है और मेन गेट खोल रखा है। चलो फिर मेन गेट पे चलते हैं। मैं ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच गया हूं और यहां पर कंपनी एसेट्स को सरेंडर करूंगा। वर्किंग एरिया में वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। आई कैन नॉट शेयर दोज थिंग्स विदाउट कंपनी परमिशन एंड इवन आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद द कंपनी रेपुटेशन। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द करंट कंपनी। दिस कंपनी हैड बीन माई सेकेंड होम फॉर द लास्ट 1 ईयर। बातों बातों में ये बताना भूल ही गया कि मैं किस कंपनी से साइन ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गाइज, मैं आ गया हूँ सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर एंड आई एम वेटिंग फॉर माई मेट्रो ट्रेन टू रीच हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कुछ देर मेट्रो में ट्रेवल करने के बाद फाइनली आई रीच हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम यहाँ से 7:50 PM पर है और थोड़ा टाइम वेट करने के बाद फाइनली राजधानी एक्सप्रेस भी आ गई। यही ट्रेन मुझे बैंगलोर लेके जाएगी, तो चलो बैंगलोर चलते हैं। दस मिनट नहीं हुए थे कि खाना आ गया। खाना एवरेज है लेकिन पेट भरने के लिए ठीक है। खाना खाने के बाद मैं सो गया और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया। सबसे पहले टी स्नैक्स विद न्यूज़पेपर और उसके बाद प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिला। ऑलमोस्ट 12:30 PM पे लंच मिला। राजधानी में मोस्टली सेम मील ही रिपीट करते हैं। इवनिंग 4 PM पर फिर से स्नैक्स टाइम, टी, दाल कचौरी, नमकीन और स्वीट्स में सोन पापड़ी ली। फिर इवनिंग 7:30 PM पर डिनर आ गया। अब तो हद ही हो गई, सेम मील फिर से। चलो कोई नहीं। अर्ली मॉर्निंग 5:10 AM ट्रेन फाइनली बैंगलोर के SR रेलवे स्टेशन पहुंच ही गई। ये सफर काफी थकावट भरा रहा लेकिन इंजॉय किया। बैंगलोर का ट्रैफिक बस मत पूछो। ऊपर से रिंग रोड पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सो आई डिसाइडेड टू यूज नम्मा मेट्रो फ्रॉम KSR मेट्रो टू बयानापल्ली मेट्रो स्टेशन।
फिर वहां से दोस्त ने होटल ड्रॉप किया और फिर मैं सो गया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं रेडी हुआ और जॉइनिंग के लिए ऑफिस के लिए निकल गया। एज यूजुअल ट्रैफिक बहुत था बट फाइनली ऑफिस पहुंच गया। कुछ ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद फाइनली मुझे टाइम मिला कैंपस को एक्सप्लोर करने का। सो ये थी छोटी सी जर्नी साइनिंग ऑफ से लेकर साइनिंग इन तक की। आप मुझे बताइए कि मैंने किस कंपनी से साइन ऑफ किया और किस कंपनी में साइन इन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।